पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशु पालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजयविंद्र ओली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम। भाई बहुत खुशी होती है भाई, दो दिन पहले वीडियो बनाई थी, एक दिन पहले आप लोगों ने देखी थी, आज फिर वीडियो बनाने लग रहे हैं। जो रेट वीडियो में मांगा था उतने रेट में पशुधन सेल हो गया है। तो बात कर रहा हूँ भाई राजेश करेला डेयरी फार्म की, काले मोतियों का डेयरी फार्म। कई मोती ऐसे यहाँ से सेल होकर गए हैं, आज एक ऐसा ही मोती एक और सेल होकर जाएगा। कहाँ पर जाएगा पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। और भाई बहुत अच्छा लग गया है, जिन भाइयों का कदे पशुपालन से कोई भी वास्ता नहीं था, आज वे हमारी वीडियो देख कर भगवान की दया से 4-4 लाख के पशुधन खरीदते हैं। तो बड़ा मजा आया है कि आज हमारा थोड़ा बहुत मेहनत जो हम करे हैं दोनों भाई जसबीर जमोला जेवेंद्र ओली, वह कितने ना कितने लगातार कामयाब होती जान लग रही है। तो बार बार स्वागत है मुकेश भाई का, अनिल यादव भाई का, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर। मुकेश भाई राम राम। राम राम है जी भाई। दर्शकों और राम राम सारे भाईयान, राम राम भी। अनिल भाई ने भी राम राम करो, अपने मेहमान है भाई साहब। हां भाई है बड़े भाई अनिल, बिल्कुल आज हमारे बीच में पहुंचे अनिल भाई, राम राम। राम राम दर्शकों को, राम राम सर, राम राम। तो भाई एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी नोएडा में जाके, वीडियो बनाई थी अनिल भाई की, और अनिल भाई ने जब न्यू कही थी भाई मेरा पशुपालन से कोई लेना देना नहीं था, एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी और पहली वीडियो मैंने राजेश करेला डेयरी फार्म की देखी थी। उस टाइम पर राजेश भाई भी हमारे बीच में थे, राजेश भाई की वीडियो भाई ने देखी थी। उसके बाद में लगातार पशुओं का शौक हो गया, और कैसे कैसे पशु ले गए हो भाई साहब यहाँ से? अब तो काफी बहुत पशु ले गए यहाँ से, अच्छे ले गए, कई झूठी गई है। और अब यही है कि मैंने मेले में एक अपने क्षेत्र में शौक बने लोग जागरूक हों में, तो रिंग में कूदना अपना, बिल्कुल यही उम्मीद है, यही उम्मीद है। और असली जो कंपटीशन हो उसमें कूदना, दूध वाले में, दूध वाले में, दूध वाले कंपटीशन में। तो भाई साहब यो घर परिवार वाले नहीं कहते कि यो कौन सा शौक पाल लिया आपने? शुरू में तो कही थी, लेकिन अब तो सभी पूरे घर वाले लग रहे हैं, भांजे दोस्त सभी लग रहे हैं। अच्छा ये सारे लग रहे हैं? हाँ, तो बढ़िया शौक भी है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। अच्छा अपने क्षेत्र में थोड़ा कम है रुझान? बहुत कम, बहुत कम है जी। हाँ हमारे क्षेत्र में ये देखो भाई, इस भैंस की किस्मत बहुत अच्छी है, याडी तो जागा है सीधी सेक्टर में, नोएडा के सेक्टर में, नोएडा में आज बिल्कुल जी। आज जहाँ पे जमीन के भी रेट बहुत ज्यादा ऊपर चल रहे हैं, उड़ा जागा है बंदगी, और भाई साहब की एक कोशिश है भाई मैं भी कितने मेला में इस क्षेत्र में नाम कमाऊंगा। तो भाई साहब इसी दे दी होगी, बढ़िया जोटी है, जमा बढ़िया है, मेरा खूब बढ़िया जोटी। वीडियो में भाई 23-24 किलो दूध रूटीन में जोटी देवेगी, छह दांत है, आप बॉडी देखोगे ना इसकी, आज कटिंग भी करवाई थी, और एक नस जो शरीर की है बॉडी की सारी नस एक एक अलग अलग चमकने लग रही है। दो दिन पहले अभी देखी थी भाई आप सबने, पहले उदन खींच का रूप था, हाँ। वो रूप 10-12 दिन में आवेगा, बाकी बढ़िया स्टार्टिंग हुई है, बच्चा दनेरा 6.5 किलो जोड़ी ने दूध काढ़ा है। भाई साहब ने कही है भाई मैं मेले में लगाऊंगा। हाँ भाई कोई ना को पोजीशन किते है ना आवे की भाई, कल कोशिश नहीं करांगे कनील भाई का, जब इतनी है भी कोशिश कर रहे हैं आप, मेहनत करांगे तो मिल गया पहला ही नंबर आप लेने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी कोशिश, पूरी कोशिश करांगे, क्योंकि मेरा का अपना भी थोड़ा अनुभव है, आपने भी पहली बार धनोला गए थे मेरे, हाँ धनोला गए थे, और उड़ा आपने को सारे मेले देखे आ रहे हैं, हौसला बढ़िया था ना, बढ़िया है भाई, बताऊँ क्या है जी भाई, सबसे बड़ी बात यह है किस लाइन में जो ये लाइन है ना आगे जाकर ना बहुत तो ज्यादा इसका बड़ा भविष्य है इस लाइन का, जी जी जी, और यह लाइन ऐसी है रुकने वाली तो है ही नहीं, बिल्कुल जी, और खान पीन की चीजा में दूध की तो बड़ा कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं तो बड़ा, तो आज के दिन जितने भाई भी अपना खुद निकाल के पियो है ना दूध, वो थोड़े ही है भाई, परसेंटेज देखांगे तो भारत में बहुत कम लोग ऐसे है कि अपने हाथ से अपने नौकर से कटवा कर अपनी भैंस का दूध पियो है, नहीं तो बहुत ज्यादा सेपरेट पियो है लोग भाई। उनमें से एक अनिल भाई भी हैं भाई जो उस क्षेत्र में, अनिल भाई की हिम्मत नहीं मानना, हाँ अजय भाई हमारा गांव का कोना पे भी देखोगे तो भी 4 लक्ष्य अमूल की लाशी रो बेकन लग रही है, सही बात, जब गामा में भी लोग अपना खुद काम करके ना वो नहीं पी सकते खा सकते दूध की, और ये इतनी कोशिश कर रहे हैं, और सेक्टर में भी एक जड़ा 5-10 लाख रुपये गज के भाव है, उनमें अपनी भैंसा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, जी जी, तो वो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, इससे ना शौक का आग्रह भाई साहब, अनिल भाई ने कहा मैं देख गणी ही तो बड़ा ही करियो ना मेरी, पर जो चीज हमें परमात्मा की देन है कि नहीं अनिल भाई, बिल्कुल खाटू श्याम मालिक ने जुगर हम वीडियो में कहने लग जाए भाई दो या उपाधि है या चीज है ये गाड़ी है, तो अनिल भाई ने कहा भाई कोई नहीं जो है वो परमात्मा की दया है नहीं जी। तो भाई साहब के कुछ क्वालिटी देख कर ली है अपने यहाँ, राम राम मेरी सारी बाणा ने काकी ताइया ने, जब थारी भैंस 7वें महीने में क्या बन लग गई हो तो जो तुम ईप खवाओगे वो ब्यात पे दिखेगा, और दिखेगा क्यों कर जब उसकी लेवटी सुथरी और बढ़िया तैयार हो जाएगी, जब ठोक कर बाल्टी दूध की काट होगी
तो उस खातर बाट के देखन लाग रही हो, तावली ही जाओ ना तो बालका के बाबू ने भेज दो मेडिकल स्टोर पे। उड़ते लेके आओ राइट एच, राइट एच ने 10-10 ml तड़के सांझ रोटियां चौपड़ के न दो, इससे थारी भैंस की लेवटी भी बढ़िया तैयार होगी और जोटी भी सुथरी दिखेगी। या पहले 1 लीटर की पैकिंग माया करती, इब 2 की में भी आ गई है। और बेबे और भी घनी जानकारी चाहिए से ना, तो इस नंबर पर फोन कर लियो 7892042000। हर पशुपालक की पसंद राइट एच। बढ़िया झोटी है, दूध की अच्छी उम्मीद है जी, 6 दांत है, अच्छा सुंदर है बिल्कुल, कदकाठी की, कदकाठी की बढ़िया है, है। तो यही है कि 23 दूध दे और लाइव मिल्क चलाएं हम भी, उसके बाद लाइव मिल्किंग चला नोएडा में, नोएडा ताकि एक रिकॉर्ड उस साइड का भी, उस साइड का भी जान हो गए। अच्छा जी, तो अनिल भाई वीडियो में मन ने वीडियो बनाई थी इसकी 2-3 दिन पहले जी, वीडियो लगातार देखते होगे हमारी। हाँ वीडियो देखती ली थी, कई साल हो गए भाई साहब, 1.5-2 साल हो गए राजेश भाई से, पहली वीडियो देखी थी मैं राजेश भाई। अच्छा जी, अच्छा, और तब से, और पहला डेयरी फार्म है जहाँ से जुड़े थे, जुड़े थे और लगातार यहाँ से, लगातार बहुत बढ़िया जी। तो इसका मोल 4,25,000 रुपए करा था भाई साहब जी। हाँ, तो आपने कितने की खरीदी है? 4.25 लाख। 4.25 लाख की जी, कोई मतलब सौदा भी ना करा भाई, कम कर लो या और कुछ है? वहीं से पेटीएम डाल दिया, वीडियो देखते हैं इन्हें पैसे डाल दिए, डाल देते। अच्छा जी, तो 4.25 लाख में ले ली जी। तो एक मान सम्मान की और प्रक्रिया होती है, वो मैं अपना मुकेश भाई से पूछूंगा क्या कुछ करेंगे इसमें कि नहीं। हाँ, मुकेश भाई। हाँ भाई, देखो आज के टाइम पशुपालन में आप दोरा फोन खूब आवे हैं। हाँ बिल्कुल, इसे भी आते होंगे, 4 लाख खाली के कोई नहीं भी कहता तो 1 पैसेट में दे रहे हो भैया। हाँ ठीक बात है, आते होंगे जरूर, बिल्कुल आवे हैं। लेकिन भाई ने आज तक अनिल भाई का फोन आया है तो बस न्यू आया है कि भाई ये हमारी सिलेक्ट होगी जोटी। अच्छा, और ये सेल नहीं करनी, ये पैसे डाल देते हैं, ये भेज दिया। आज तक इन रेट पूछा भी नहीं है ना, घटो ये तो आपकी वीडियो देखकर इसका 4.25 फाइनल हो गया, नहीं तो ये देखकर बस ये है कि ये फाइनल होगी और पैसे बता देना कितने डालने, पैसे डाल दे और भेज दो, भेज दे। तो इसमें कुछ आज वीडियो बनने लग रही है, मान सम्मान के कुछ रहेगा भाई साहब? चलो मान सम्मान भी करांगे, कोई नहीं तो मान सम्मान भी करांगे जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्मीद रखू मैं ये भाई एक पशुपालन में इतना जोर लगा रहे हैं अनिल भाई नोएडा में बढ़ावा देने के लिए। मान सम्मान तो न्यू है भाई का, एक तो इसमें किराया फ्री है। अच्छा जी, कोई किराया नहीं लागण दे, हम होम डिलीवरी कराएंगे भाई, चिट्टा छोड़गा होगा। हाँ, चिट्टा छोड़गा होगा। अच्छा जी, और भी कोई दिक्कत वाली बात कौन भाई है अनिल भाई? तो ई बिया के डिटेल हाँ जी, इसकी आज या खीस तो खाली करी है, खीस तो खाली हो गए, इसने बच्चा देने 6.5 किलो दूध स्टार्टिंग हुई है। बहुत बढ़िया रहेगी दूध की, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, 22 किलो की उम्मीद है इसके? उम्मीद 24 किलो की है भाई। आप आज फिर वीडियो वाली बात का वहाँ, वो भाई जो ले रहा था इसने, वो खर की जोड़ी लिया था, 2 महीने की आगे की थी, 18+ इसमें कंड का दूध था मौके पे भी। अच्छा एक चीज और मुकेश भाई पूछ लूं मैं आपसे, यह चीज बाई चांस मान लो ऐसा है 22-23 किलो की मान के भाई साहब ले जाए, हाँ पशुपालन में उड़े रुचि है नगी, ठीक है, देखो अनुभव तो कम है, बिल्कुल बिल्कुल, या तो मान लो ना हाँ, न्यू में है भी। किसे कहानी इतने दूध बना पहुंचा है ना, पहुंच जाएगी कोई दिक्कत कौन भी, कोई दिक्कत नहीं, जमा 100% पहुंचेगी। कल ना भाई साहब न्यू मानना भाई दूध नहीं कट गया, ना 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 ना, जमा 100% कट गई नहीं की, तो गारंटी दे रखी है भाई 22 किलो की, 22 किलो की, 22 किलो की गारंटी है, 24 किलो दूध आराम से निकालेगी। लो भाई ने कत्ती ठोक बजा के कह दिया है भाई 22 किलो कट गई, और 22 किलो जिस दिन इसमें तैयार हो जाएगा अनिल भाई, उस दिन जसबीर जमोला गाड़ी का मुंह कर देगा नोएडा की तरफ। रोज तम भी पशुए देखो 22 किलो इस खतर को घनी लंबी चौड़ी बात कौन भाई, देखिए हरेक नस दिखेगी भाई गात की, कौन सी ये नस आप देख सको हो, सारी लोटी भाई बहुत मोटी मोटी नस है, और आज जो आप रूप देखो हो इसका खींच तो खाली हुई है जोटी जी जी, 15 दिन में रूप, 12-14 दिन में, 15 दिन में जाएगा रूप आवेगा, सही बहुत बड़ा आर्डर की खूब अच्छी जोटी है भाई, थोड़े पशु इसे और इसका लोग अपनी नसर आए दे, हमने 10 की दे दी, 15 ही दे दी, 20 की दे दी, तो मतलब जोटी भगवान ने शुक्र रखा तो खूब अच्छी रहेगी भाई। जो न्यू है भाई 1000 रुपया ही बेची है वो ही बताओ अपना ना, आपा तो कि मैं 1 रुपया न्यू में कौन कर दे भाई, जो वीडियो में रेट मांगा। हाँ हाँ जी, हाँ वो ही आपा देवा, हाँ वो उतने रेट में देवा, सेल करने की कोशिश करा। हाँ ले भाई, अपना प्रमोद भाई और पहुंच रहे हैं वेदपुरा चौधरी प्रकाश डेयरी फार्म से। प्रमोद भाई राम राम। राम राम जी। भाई ने भी भाई बहुत घना शौक से और एक वीडियो 2-3 बना दी होंगी आपकी भी हमने। हाँ। भाई पहला भाई बॉडी बिल्डिंग करा करता और नजदीक है अपना अनिल भाई का घर। अनिल भाई का नजदीक है। अच्छा जी, 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर अपने पास है कोई लाइव मिल्किंग वाली के? लाइव मिल्क इस महीने में चलाएंगे। इस महीने में तो फिर न्यू मान ले दोनों इकट्ठी हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत, आधा पौना घंटा का सफर है आपका। हाँ, हो जाएगा। हाँ। एक का टाइम में कर लेंगे दोनों। पक्का, पक्का। तो कैसी लगी आपको झोटी? बहुत बढ़िया झोटी, बढ़िया बढ़िया झोटी।
छह दांत है भाई। और दूसरा ब्याज से इसका, हाँ सेकंड टाइमर है। काफ क्या है जी नीचे? मेल काफ है भाई। नीचे इसके मेल काफ है, कटड़ा है। तो प्रमोद भाई 22 किलो दूध का अंदाजा? हाँ भाई, काटना चाहिए कम से कम, काटना चाहिए कम से कम। उड़ जाके भाई देख, नोएडा में जो यहाँ पे नहीं हो भाई, गर्मी में तालाब में लोटा लिया हुआ, जोड़ में लोटा लिया हुआ, उधर कोई होना उधर व्यवस्था नहीं है, जोड़ के चलो समरसेबल चला दिया, समरसेबल आप चला खूब। अच्छा, और अपना ठीक चल रहा काम? बढ़िया जी बढ़िया। चलो भाई बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई पूछने के लिए। आज भाई 25 तारीख में कोशिश करेंगे लाइन मिलिंग चलाने की। कितना दूध है? पूरी रात नहीं सोया था भाई, और फिर फ्री माइंड हो गया जब लाइव मिल्किंग कराई, रूटीन में जो खावा है उस समय लाइव मिल्किंग करवाई तो बढ़िया दूध का। पहले 19 किलो दूध दिया, तो बहकना नहीं चाहिए ना। ना ठीक है। अजय भाई एक बात और कहना चाहूंगा मैं। हाँ जी भाई, है हिमांशु। हाँ जी अनिल भाई, ना तो शौक है ये है जो कर थाने की मान्यू नहीं कर आईओ है, तो इस काम धंधे करी मसा शौक पैदा करने वाले के लिए साथ देने वाले भाई मानसू हैं, जो दिन रात इनके साथ अनिल भाई के बन जे हैं। हाँ हिमांशु भाई, और इनका भी, इनको भी बहुत शौक है भाई, लगातार तकरीबन सारी जगह पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आगरा भाई शौक, आप तो शौक लाया गेल गेल अपना रिश्तेदारी हम और शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल, अब भाई अच्छा काम है और इसमें कोई दोराय भी ना भाई, बढ़िया ना, अच्छा ही काम है भाई, खूब बढ़िया काम है, काम में कोई कमी नहीं भाई। तो भाई 4.25 लाख रुपये में सेल हुई है। हाँ भाई, और 22 किलो भाई साहब ने कहा है, 22 की तो गारंटी है, 24 किलो दूध काट लगी भाई, 24 कम तक हम यह दूध निकाल लगी, तो फिर चुच करवाओ भाई साहब। हाँ चुच करवाओ, आज भाई नोएडा में पहुंचेगी है और जल्दी इसकी लाइव मिल्किंग आपको दिखाएंगे भाई, पशुपालक मंच आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत बधाई हो भाई हिमांशु भाई को, ले भगवान करे खूब लेना दे हिमांशु भाई ने। भाई का विनोद डब्बू भाई जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं भाई, ले भाई बंद। अरे अनिल भाई एक दिन आऊंगा, पूरी टीम लेके अपने पूरे खाड़े के बड़कान लेके ढोल नगाड़े के साथ में लेके जाऊंगा। अगला प्रोग्राम अच्छा कराएं भाई। हां जी भाई, ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। हां बिल्कुल, अनिल भाई पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भाई आप लोग भी बार बार शुभकामनाएं दें अनिल भाई को, लगातार एक साल के अंदर देखो पशुपालन में बहुत रुझान बढ़ गया भाई का, बढ़िया बढ़िया पशु की तलाश में रहते हैं हमेशा, हर एक वीडियो देखते हैं, सभी भाइयों की देखते हैं भाई, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, गलत कह रहे हो अनिल भाई, सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, राम राम भाई सारे भाइयों, राम राम भाई।